जनपद लखनऊ में होने वाले लोकसभा चुनाव 2019 को सकुशल संपन्न कराने हेतु एसएसपी लखनऊ श्रीकाला निधि नेथानी ने कमर कसी। चाक चौबंद व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न होगा लखनऊ का मतदान, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। जनपद लखनऊ में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए दोनों ही तरह की तैयारी, पोल डे की तैयारी और प्री पोल जो डेज होते हैं उनकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और काफ़ी हद तक यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था अब तक रही है। जितनी भी कैंपेनिंग थी उसमें सभी में पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया। 1 तारीख से और लगातार हम लोगों की जो CAPF 22 कंपनी मौजूद है जनपद में, वो जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है, रूट मार्च कर रही है जनपदीय पुलिस के साथ। इतना ही नहीं, अभी सूचना विंग को भी स्ट्रांग बनाया गया है। 2 हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी किए हैं, 94-54-41-51-56 और 94-45-80-80। इन दोनों ही नंबर पर जनता का कोई भी व्यक्ति कभी भी सूचना दे सकता है और तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध होगी। आचार संहिता के पालन के लिए भी हम पूरी तरह से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कार्रवाइयाँ उसमें हुई हैं। कल शाम को यानी कि 4 तारीख को शाम 6 बजे जो है समस्त प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे और हमारे बैरियर्स काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे। जनपद में 84 बैरियर्स लगे हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो अंतर जनपदी हैं, शेष जनपद के भीतर लगे हैं। चुनाव वाले दिन केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाया गया है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगभग 200 क्लस्टर मोबाइल भी बनी है। कुल 222 सेक्टर हैं, 45 जोन हैं, जिसमें जो एक मोबाइल्स रहेंगी वो भ्रमणशील रहेंगी अपने मजिस्ट्रेट्स के साथ और किसी भी जगह पर कोई भी सूचना प्राप्त होने पर लगभग 5 से 7 मोबाइल वहाँ पर 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगी, जो कि रूरल मोबाइल होगी, सेक्टर मोबाइल होगी, क्लस्टर मोबाइल होगी, इसके अलावा थाने की मोबाइल होगी, थाना देश मोबाइल होगी और सुपर जोनल मोबाइल होगी और UP 100 की भी गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचेंगी। कल 4 तारीख को शाम को 4 से 6 विस्तृत ब्रीफिंग फोर्स की जाएगी और 5 तारीख को सभी समस्त फोर्स को गाड़ियों में रवाना कराया जाएगा। 6 तारीख को प्रातः 5 बजे से समस्त लॉ एंड ऑर्डर की और बूथ की ड्यूटी प्रारंभ हो जाएंगी और सभी को भली भांति अवगत करा दिया गया है उनके कर्तव्यों से। हमें पूर्ण आशा है कि यह चुनाव जो है एक शांतिपूर्ण वातावरण में सफल संपन्न होगा।